सुबह की बजी है 4:15। मैं अब घर से निकला हूँ अभी सुबह मॉर्निंग में। मैंने कहा कोई कचौड़ी समोसा खा के आए, भूख लग रही है, खाना खाने की इच्छा नहीं है। अभी कोरोना के चक्कर में ही ये लफड़ा है, नहीं तो हमारा शहर तो पूरी रात खुला रहता है। यहाँ पे आपको डोसे, पाव भाजी, बर्गर पूरी रात मिल जाएंगे। और बहुत अच्छा शहर है, खूबसूरत शहर है, और यहाँ पे क्राइम व्राइम ना के बराबर है। देखता हूँ कहीं मिले तो रात को कोई नाश्ता मिले तो, क्योंकि हमारे यहाँ पे पूरी रात नाश्ते के गाड़े लगे रहते हैं, रेडिया लगी रहती है, रेस्टोरेंट खुले रहते हैं। कोरोना के चक्कर में ही बंद है। आज बहुत समय बाद निकला हूँ मैं, ये वाला बंद हो गया पिचका सेंटर। अब देखते हैं आगे जा करके। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, अब यहाँ पे भी मेरे को लग रहा है खुले नहीं है आज। खुले तो हैं पर बंद हो गए हैं, क्योंकि कारण क्या है ना, कोरोना के चक्कर में क्या पुलिस वालों के जगह जगह पहरे रहते हैं, उस चक्कर में क्या इनको परेशान करते हैं लोगों को खड़ा हुआ रात को 3:30-4 बजे सुबह। देखता हूँ कुछ मिल जाए तो खाने को। मैं क्या अपना मन नहीं मारता, मारना था बचपन में बहुत मार लिया, अब नहीं। मेरे को जब मन करता है मैं घर से गाड़ी निकालता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ। नहीं है भाई कोई नहीं है आज। अब मेरे को खाली लौटना पड़ेगा घर, घर जा करके ब्रेड ब्रूड खानी पड़ेगी। चलो चलते हैं भाई वापस, मार्केट तो बंद है पूरा, नहीं तो हमारे यहाँ पे तो क्या पूरी रात खुला रहता है। ऐसे ही एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ बहुत पहले का। एक बार क्या है, मैंने मेरे को एक कचौड़ी वाले ने नंबर दिए कि भाई तू सुबह है ना, रात मेरा तेरे को मन करता है ना कचौड़ी खाने का, मैं सुबह 6 बजे खोल लेता हूँ कचौड़ी की दुकान। मैंने कहा ठीक है खोल लेता भाई, कि तू एक काम किया अगर तू मेरा ना मेरे को फ़ोन कर दिया, अगर मैं तेरी कचौड़ी जैसे बनती ना तो भीड़ रहती सुबह सुबह, हमारे यहाँ पे 6:30-6 बजे भीड़ हो जाती है तो नंबर नहीं आता, तो तू है ना मेरे को फ़ोन कर देगा, मैं तेरी है ना 3-4 जितनी भी चीज़ होगी तेरे को निकाल के रख दूंगा मैं अलग से लिफाफे में डाल के। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको जान मुझके सुबह 4 बजे फ़ोन कर दिया, उसने सोचा 6:30 बजे फ़ोन किया होगा, उसको लगा लेट होगी, तो उसने उठाया मारवाड़ी भाषा में मैं लैंग्वेज बोला हाँ भाई। मैंने कहा वो कचौड़ी तो रख देना भाई 4-5 एक, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। तो वो बेचारा उठा, फ्रेश व्रेश हुआ, और बाद में घड़ी देखी उसने तो उस समय बजी थी 4:15। मेरे को फ़ोन करके बोलता तेरा माथा खराब है, कह रहा है सुबह सुबह 4 बजे फ़ोन करके बोल रहा है कचौड़ी रख देना, तेरे को पता है मैं 6 बजे खोलता हूँ दुकान, और 6:30 बजे मैंने तेरे को इसलिए नंबर दिया था, मैंने कहा 6:30 बजे फ़ोन करना, तू सुबह 4 बजे फ़ोन कर दिया। अब इतनी मुश्किल से एक दुकान मिली जिसको मैंने पूछा मैगी है क्या, उसने मना कर दिया मेरे को मैगी का। ये होती किस्मत देखो आप, वो खुली दुकान इतनी मुश्किल से मिली है मेरे को। मैंने कहा भाई मैगी मैगी मैं रखता हूँ घर पे, तो मेरे बच्चे क्या है खाते हैं, और मैं बच्चों को कचरा खिलाना नहीं चाहता। ठीक है कभी 6 महीने में खाएं मैगी, मैं हमेशा वीडियो में भी यही बात बोलता हूँ कि ये कचरे नहीं खाने चाहिए, शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है कभी कभार टेस्ट के रूप में खाएं। अब सुबह सुबह मेरी इच्छा थी, चलो मैंने कहा मैगी खाएंगे, मैगी भी मुझे नहीं मिली। अब मैं घर जा रहा हूँ, देखते हैं घर पर, खाना खाने की इच्छा नहीं है, खाना तो बना हुआ है, हम एक्स्ट्रा बना के रखते हैं हमेशा घर पे कि रात को कभी भूख लग जाए, क्योंकि मेरे को रात में जागने की आदत है, मैं हमेशा सुबह 7-8 बजे सोता हूँ। डेली का नियम है मेरा, मैं रात भर जागता हूँ, सुबह 7-8 बजे ही सोता हूँ मैं मॉर्निंग में, और दोपहर को उठता हूँ 1-2 बजे। मुझे सेविया भी मिल गई है और मैगी भी मिल गई है, अब देखता हूँ दोनों में से क्या खाऊंगा। घर पे मिल गई है बाई चांस, अब इन दोनों में से एक चीज़ बनाऊंगा। कोरोना काल में मेरी वाइफ ने मुझे सब कुछ बनाना सिखा दिया A to Z, तब आराम से बनाऊंगा और खाऊंगा। सुबह के बजी है 4:30, अब मैं बनाने जा रहा हूँ बोमिनोज सेवियाँ। ठीक है जी, ये मैंने चढ़ा दी है, पहले मैंने देसी घी डाला है और जीरा डाला है, थोड़ी सी हींग डालूंगा, और प्याज हैं, टमाटर हैं, मिर्चें मैंने डाल दी है, ये मसाले हैं, ये चटपटे मसाले मैं डाल दूंगा स्वाद अनुसार। अब प्याज टमाटर और है ना मिर्ची भुन रही है, क्योंकि मैं नमकीन सेवियाँ बनाऊंगा आज। अब ये मसाला सारा मैंने भून लिया है, अब ये नमकीन बना रहा हूँ मैं, और ये मैंने सारा डाल दिया इसमें। अब मुझे ये नहीं पता इसमें पानी कितना डलता है, मैं राम भरोसे पानी डाल रहा हूँ इसमें, हल्का हल्का डालूंगा डर डर के कहीं यूँ नहीं हो कि ऐसी तैसी हो जाए, क्योंकि मेरी वाइफ एकदम परफेक्ट बनाती है नमकीन सेवियाँ, मुझे नहीं आती है, मैं तो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, और हमेशा मेरी वाइफ ही मुझे बना के खिलाती है, कोरोना काल में उसने सिखाया था तो मैंने कहा चलो ट्राई करें। अब 2-3 मिनट बाद मैं इसको उतार लूँगा,
ये हमारे सारे मसाले मैंने यूज़ किए हैं, राम भरोसे किए हैं सब। मैंने चाट मसाला डाला है, देगी मिर्च डाली है ना, थोड़े बहुत, और बाकी मिर्च मसाले तो डाले ही हैं। ये मेरी बन गई नमकीन सेवियाँ। स्वाद अनुसार इसमें हरा धनिया डालना चाहिए, हरा धनिया नहीं है तो पान मेथी डालूंगा मैं। ये लो जी, मैंने 4:45 बजे बना लिए सेवियाँ। ये मेरी सेवियाँ बनकर हो गई है तैयार, मसालेदार तीखी मिर्चों की। मेरी औलाद सो रही है, मैं आराम से अब नीचे बैठ के मस्ती से खाऊंगा और खा करके आप लोगों को बताऊंगा कैसा बना। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने लाइफ में पहली बार बनाई है कि इतनी मस्त बन सकती, इतनी स्वाद बन सकती है, मज़ा आ गया। मेरी वाइफ जाग रही होती तो उसको भी खिलाता। वैसे तो मैंने उसके लिए बना के रखी है, और मेरी बड़ी वाली बिटिया है ना, वो मेरे को बहुत कहेगी थैंक यू पापा, बहुत अच्छी बनाई, मेरी मनपसंद है, मुझे पता है उसकी फेवरेट चीज़ है ये, मैंने एक्स्ट्रा बनाई है। ज़िंदगी में मज़े लेना सीखो दोस्तों, नहीं तो वक्त तो तुम्हारे मज़े ले ही रहा है।